Assalamualaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Physics. As we were discussing about particle edge matter, in this video I will tell you about control of particle edge matter emissions. So let's get started. थर्ड इज वेट स्क्रबर्स। इसके अंदर बेसिकली हम स्क्रबिंग सॉल्यूशंस यूज करते हैं। स्क्रबिंग सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, एक मिक्सचर होता है वाटर का एंड अदर कंपाउंड्स, ठीक है, उसको हम यूज करते होते हैं। बेसिकली सॉल्युबिलिटी इसका मेन प्रिंसिपल है। अगर हम देखें तो जनरल अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो डर्टी एयर होती है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस सिलेंडर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली स्प्रे लगे होते हैं जिसके थ्रू स्क्रबिंग सॉल्यूशन जो होता है उसको स्प्रे किया जाता है। अब एयर जो है वो ऊपर को जा रही है और स्प्रे जो है, यहाँ पर स्प्रे लगा हुआ है, स्प्रे से स्क्रबिंग सॉल्यूशन जब ऊपर से आता है तो जितने भी पार्टिकुलेट मैटर उस स्क्रबिंग सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वल हो जाते हैं, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब, मीन एब्जॉर्प्शन उनकी हो जाती है, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्क्रबिंग सॉल्यूशन के अंदर। फिर वो जो स्क्रबिंग सॉल्यूशन होता है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको दोबारा से इसी सिलेंडर के अंदर इंसर्ट किया जाता है और स्क्रबिंग सॉल्यूशन को हम तब तक यूज करते रहते हैं जब तक उसका सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए। सो अब हम इस चीज को अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले पोल्यूटेड एयर जो है उसको हम लोगों ने इंसर्ट करवाया इनटू द स्क्रबर। उसके बाद हम कहते हैं कि स्क्रबिंग लिक्विड स्प्रिंकल्ड बाय स्पेशलाइज्ड नोजल इनटू द स्क्रबर। यहाँ पे ये नोजल लगे हुए हैं, हमने स्क्रबिंग पहले हम लोगों ने एयर को इंसर्ट करवाया, अब स्क्रबिंग लिक्विड्स हम लोगों ने स्प्रिंकल किया थ्रू द स्पेशलाइज्ड नोजल इनटू द स्क्रबर। अब बेसिकली होगा क्या कि पोल्यूटेंट्स इन एयर कम इन कॉन्टेक्ट विद फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ स्क्रबिंग लिक्विड एंड पोल्यूटेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्क्रबिंग लिक्विड। अब जैसे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या पार्टिकुलेट मैटर हैं, पोल्यूटेंट्स हैं जितने भी, स्क्रबिंग लिक्विड जब उनके मीन्स जब वो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी पोल्यूटेंट्स की स्क्रबिंग लिक्विड में। क्लियर एयर जो होगी, चूंकि अब जो एयर है चूंकि जो उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर थे वो अब्सॉर्ब हो गए हैं स्क्रबिंग सॉल्यूशन के अंदर, तो जो एयर होगी वो क्लीन एयर, इट इज देन सेंट आउटसाइड इन द एनवायरनमेंट। स्क्रबिंग लिक्विड इज रिसाइकल, वो जो लिक्विड है वो बेसिकली आप क्या होगा उसको रिसाइकल कर लेंगे अप टू इट्स सैचुरेशन पॉइंट। वो जो बात मैं बता चुकी हूँ कि हम इसको तब तक यूज करते रहेंगे जब तक इसका सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए। सैचुरेशन पॉइंट मीन्स कि वो पॉइंट जब ये लिक्विड फर्दर किसी पोल्यूटेंट को अब्सॉर्ब ना कर सके। सो बेसिकली वेट स्क्रबर्स के थ्रू हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं किस तरह से पार्टिकुलेट इमिशन। उसके बाद नंबर फोर्थ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज अ फिल्ट्रेशन डिवाइस दैट रिमूव्स फाइन पार्टिकल लाइक डस्ट एंड स्मोक from a flowing gas using the force of an induced electrostatic charge minimally impeding the flow of gases through the unit. Basically हम कहते हैं कि जो electrostatic precipitator है वो एक filtration device होती है और ये बहुत ज़्यादा efficient होती है। इसके अंदर जो fine particles होते हैं जैसे कि dust and smoke, उनको remove किया जाता है from the air. किसके through? Electrostatic charge, induced electrostatic charge के through. और basically इसमें किया क्या जाता है कि जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको चार्ज किया जाता है और चार्ज करके उनको बेसिकली एयर से सेपरेट आउट किया जाता है। सो देखते हैं बेसिकली होता क्या है। ये इस तरह का यूनिट होता है हमारे पास, ये बहुत ज्यादा हाईली एफिशिएंट होता है और इसकी इजी मेंटेनेंस होती है। सो वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम इसका देखें, सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारे पास डर्टी एयर होती है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर भी मौजूद है। बेसिकली यहाँ पर हम इनको चार्ज करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। जैसे कि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, अब जब डर्टी एयर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो वो स्ट्राइक करेंगे इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के साथ। जब इनके साथ स्ट्राइक करेंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे और यहाँ पर साइड्स पर हम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स लगाते हैं।
जो डस्ट पार्टिकल हैं वो जब नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे तो दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दैट, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स और उनके साथ जाकर अटैच हो जाएंगे, और जो एयर यहाँ से निकलेगी अब सारे सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर से रिमूव हो चुके हैं, और जो एयर एग्जिट होगी वो क्लीन गैस होगी, जो एयर होगी वो क्लीन होगी। सो आप बेसिकली इसकी वर्किंग अगर चेक करें तो दिस इज बेसिकली दैट यूनिट जो कि हम पहले यहाँ पर देख चुके हैं, दिस यूनिट। तो ये यूनिट अब यहाँ पर हम लोगों ने जो डर्टी एयर है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि ये ब्राउन बेसिकली जो नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली डर्टी एयर दैट इज फिल्ड विद पार्टिकुलेट मैटर। अब उसका अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो बेसिकली हमें इसमें नजर आ रहा है कि बहुत सारे रोड्स इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। अब फर्दर अगर इसके अंदर देखा जाए, जब हम इसके ऊपर बेसिकली चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, मीन्स जब इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जब इन रोड्स के ऊपर पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो होता क्या है कि ये देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या क्या है कि पोटेंशियल अप्लाई किया गया, एयर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था डर्टी एयर को, और जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं उनको क्या किया जाता है कि पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। अब इसके ऊपर क्या है, नहीं, ये सारे जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। अब जब डर्टी एयर पास आउट कर रही है तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकुलेट मैटर हैं वो इनके साथ स्ट्राइक करेंगे, जो इनके साथ स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करने के बाद उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। चार्ज आने के बाद ये जो साइड्स पर है वो इनकी ओपोजिट ओपोजिट चार्ज प्लेट्स हैं। अगर यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स होंगी। अगर तो अगर हमारे पार्टिकुलेट मैटर जो है वो इसके साथ जैसे स्ट्राइक करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके बाद दे विल मूव टूवर्ड दैट प्लेट्स, प्लेट्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और उनके ऊपर जाकर अटैच हो जाएंगे, और जो एयर एयर होगी वो क्लीन एयर होके वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी। अब जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर था वो सारा का सारा एयर के अंदर से निकल के वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज प्लेट्स जो थी उनके ऊपर लग गया, तो उसके बाद क्या होता है, प्लेट्स के ऊपर से भी तो उतारना है, तो फिर यहाँ पर हमारे पास वाइब्रेटर्स लगे होते हैं जो कि टाइम टू टाइम प्लेट्स के साथ स्ट्राइक करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो जितना भी पार्टिकुलेट मैटर उसके ऊपर लग जाता है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सारी सेपरेशन हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पार्टिकुलेट मैटर। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।